गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए थे एंड वी स्टडीड अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में एंड वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है एंड देन वी विल कंपेयर कि वो इंडियन सिस्टम से कैसे अलग है। नाउ जैसे कि हमने इंडियन सिस्टम में भी देखा था कि पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं, तो फर्स्ट वन जो होता है वो वंस होता है, देन थाउजेंड्स आता है एंड देन मिलियंस आता है। इसके अंदर में जो वंस पीरियड है, तीन इसमें प्लेसेस होती हैं, दैट इज वंस या फिर यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर हम थाउजेंड्स वाले पीरियड में जाते हैं, इसमें कौन सी प्लेसेस होती है, अगेन यहाँ पे तीन प्लेसेस होती हैं, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स। सो दिस इज न्यू। फिर हम जब नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं तो अगेन तीन यहाँ पे प्लेसेस होती हैं, मिलियंस, टेन मिलियंस एंड हंड्रेड मिलियंस। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे अनलाइक द इंडियन सिस्टम, यहाँ पे हर में तीन प्लेसेस हैं, वेर एज यहाँ पे जो हमारी इंडियन सिस्टम था वहाँ पे चार पीरियड्स में हमने डिवीजन किया था एंड फर्स्ट वाली में ही तीन था, बाकी सब में दो दो थे। इस केस में ऐसा नहीं होता है, इट इज डिवाइडेड, एवरी पीरियड इज डिवाइडेड इंटू थ्री प्लेसेस। और यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम में जैसे कॉमास लगाते थे आफ्टर एवरी पीरियड, सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही कॉमास लगाएंगे, बट हमें यहाँ ये डिफरेंस होगा कि हर पीरियड में तीन है। सो फॉर एग्जांपल, हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाते थे तो फर्स्ट थ्री डिजिट्स, देन टू डिजिट्स, देन टू डिजिट्स एंड देन टू डिजिट्स, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स हम कॉमा यूज करते हैं बिकॉज इनके पीरियड्स ऐसे ही डिवाइडेड होते हैं। नाउ जैसा कि आपको याद होगा, हमने पहले भी जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ इंडियन सिस्टम के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे थे वी सॉल्व दैट। अब हम जितने भी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से होने वाले क्वेश्चंस छूट गए थे वो भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसमें इंसर्ट कॉमास एंड राइट इन वर्ड्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंसर्ट कॉमास, कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं पीरियड्स के हिसाब से, तो सबसे पहले हम पीरियड्स लिखते हैं, तो यहाँ पे होता है वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। इसके अंदर अब हम इधर के हिसाब से लिखेंगे, तो वंस की प्लेस में है तो वील राइट दैट, टेंस भी है, हंड्रेड्स है, फिर अब आ जाता है थाउजेंड्स वाला पीरियड, तो यहां थाउजेंड्स है, टेन थाउजेंड है एंड अब यहां पे हंड्रेड थाउजेंड है, मिलियंस का यहां पे है ही नहीं, सो यहां पे अदरवाइज कॉमा आता। सो नाउ लेट्स राइट द डिजिट्स, वंस की प्लेस में थ्री है, टेंस की प्लेस में टू, हंड्रेड्स की प्लेस में सेवन, कॉमा आ जाएगा यहां पे, थाउजेंड्स की प्लेस में सिक्स, टेन थाउजेंड्स की प्लेस में जीरो एंड हंड्रेड थाउजेंड्स की प्लेस में फाइव। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, वी हैव इंसर्टेड कॉमास। नेक्स्ट पार्ट में हमें वर्ड्स में लिखना है, तो यहां पे हम इजीली देख सकते हैं इट इज फाइव हंड्रेड, अभी जीरो है तो कुछ नहीं होगा, सिक्स थाउजेंड, सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम पीरियड्स लिखेंगे, प्लेसेस लिखेंगे। पीरियड्स हैं हमारे पास वंस, थाउजेंड्स एंड
मिलियंस। प्लेसेस होंगी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा यहाँ पे लगता है, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस, टेन मिलियंस एंड हंड्रेड मिलियंस। नाउ इफ वी वॉन्ट टू इंसर्ट कॉमास तो हम कैसे करेंगे? एट वन ज़ीरो, यहाँ पे कॉमा आएगा, एट वन ज़ीरो, अगेन यहाँ कॉमा है, एट वन ज़ीरो, एट वन ज़ीरो एंड ज़ीरो एट वन। तो ये हमने कॉमाज इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें यही हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इफ यू रीड दिस इज 180 million, अब यहां पे जीरो है तो ये 18,000 होगा, सॉरी कॉमा इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीन थाउजेंड एंड एटीन। सो दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट इन न्यूमरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमास करेक्टली। अभी हमारे को वर्ड्स में दिया है, इससे हमें न्यूमरल फॉर्म में, अगेन हम पहले पीरियड्स लिखेंगे, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन एंड टेन मिलियन। यहाँ पे हमें 100 million की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द नंबर इज़ 58 million। तो अभी हम लिख सकते हैं इधर 58,423,000 एंड 202। सो वी हैव इंसर्टेड कॉमास अब पीरियड्स के हिसाब से एंड हमने न्यूमरल फॉर्म में इसको लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताना है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। अगेन फेस वैल्यू इज द नंबर इट्सेल्फ, वो नंबर खुद होता है। प्लेस वैल्यू के लिए व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ ऐसे एक ब्रैकेट बनाते हैं, वी विल राइट द नंबर एंड इसके ऊपर हम प्लेसेस लिख देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड या लाख, एज पर इंडियन सिस्टम। यहाँ पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो सिक्स का कहाँ प्लेस वैल्यू आता है, ओवर हियर थाउजेंड्स में। तो प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज 6,000। या फिर Similarly, in the next question, difference between place value and the face value of the digit 9 in this number. Face value क्या होता है? The number itself. Place value के लिए, again let's draw the bracket. हम यहाँ number लिख देते हैं 229301. And इसके ऊपर ones, tens, hundred, thousand, 10,000 एंड लैक। इसमें से हमें 9 का ढूंढना है, 9 हियर अगेन कम्स इन थाउजेंड्स, सो इट इज प्लेस वैल्यू हो गई 9,000। और अभी हमें डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, मतलब कि प्लेस वैल्यू से हमें फेस वैल्यू माइनस करनी है। प्लेस वैल्यू कितनी है 9,000, माइनस फेस वैल्यू इज 9, अगेन
9000 माइनस 9 अगर हम करते हैं एंड फ्यू कैलकुलेट इट कम्स एज 8991. तो द डिफरेंस इज 8991. दिस इज आवर आंसर. इन द नेक्स्ट पार्ट अगेन डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टू सेवन्स इन दिस नंबर एंड राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम. तो हमें इस नंबर में दो सेवन्स दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेवन एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड सेवन. अगेन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 10 लैक एंड करोड़. प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट ये वाला जो सेवन है इट कम्स एज 10 लैक, दैट मीन्स इट इज 70 लैक. एंड सेकेंड वाला जो है इट इज इन टेंस, मतलब सिर्फ 70. इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब कि माइनस करके, अगेन लेट्स सब्ट्रैक्ट इन द ब्रैकेट. -70. The answer comes as अब हमें यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है. तो लेट्स राइट द नंबर फर्स्ट. ये है 6930. अब हम इसकी प्लेसेस लिखते हैं ऊपर शॉर्ट फॉर्म में. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड 100,000 एंड मिलियन. ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है. आ कॉमाज आर आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. तो अब हम इजीली लिख सकते हैं 6 मिलियन. नाइन हंड्रेड एंड थर्टी. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ इन द नेक्स्ट वन प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन दिस. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये आ रहा है हंड्रेड्स में. तो प्लेस वैल्यू इज 400, या फिर न्यूमरल्स में लिखेंगे तो दिस. एंड फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 4. अभी प्रोडक्ट विल बी 400 × 4. सो 400 × 4 अगर आप करोगे तो इट कम्स एज 16,000. So our answer is 16,000. Now in the next question, very simple, difference between, मतलब minus करके हमें बताना है 895 and the number obtained by reversing digits. Reversing मतलब इन्ही number की places हम उल्टा कर देंगे. तो first number जो हमारे पास है वो है 895. एंड अगर इसको रिवर्स कर दिया तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 9 आएगा और लास्ट में 8 आएगा. अब इनके बीच में डिफरेंस मतलब माइनस. 895 माइनस, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं
तो द आंसर कम्स एज 297 एंड दैट इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स विद दिस हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर दी है और दोनों इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने पढ़ लिया है। इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।